महोबा के कब्रे में रहने वाले बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट करने का कब्रे में ही रहने वाले एक दबंग नेता पर आरोप लगाया है। दबंग नेता द्वारा पीड़ित की जमीन में लगे तार बारी निकालने को लेकर हुआ था विवाद। वहीं पीड़ित ने बताया कि अपने पद और प्रभाव का प्रदर्शन कर हुकुम सिंह, उसका भतीजा विमल सिंह और पुत्र महेंद्र सिंह पीड़ित के घर के सामने गाली गलौज करने लगा। वहीं पीड़ित की मना करने पर बुजुर्ग महिला के साथ हुकुम सिंह की पत्नी ने रेनू ने मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत कब्रे थाने में की गई, जिसमें कोई कार्रवाई ना होने पर बुजुर्ग दंपति ने महोबा पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के चौखट पर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। क्या घटना घट गई? हमारी पत्नी को मारा पीटा है और तार बारी उठा के ले गए। कहाँ का मामला है? कब्रे की। कौन लोग हैं ये? ये मंडल अध्यक्ष है, दबंगी में सब काम करता है। क्या नाम है? हुकुम सिंह। आज कहाँ पे आए हैं? एस पी ऑफिस। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया मैडम, एफ आई आर दर्ज होगी, कार्रवाई होगी। रुद्र कुमारी। क्या मामला है, क्या घटना घट गई? जी हमारी ये तारवाड़ी उखाड़ी थी रात में, तो हमने कहा कि क्यों ये गाली गलौज दे रही हो, तो हमें ये हुकुम सिंह विमल डंडा लेके आया, हुकुम असला लिए था और ये उसकी पत्नी आई, हमें हमारी जोर से चाटा मारा गाल में, हम जाने लगे तो हमें पकड़ लिया, द्वारी में चढ़ के आई हमारी। आप हम महोबा आए हैं एस पी आर से। क्या कहा मैडम? मैडम ने कहा है कि जाओ वहाँ, तुम्हारी रिपोर्ट लिखेगी।